लिख नहीं सकता मैं ये ऑफ्थाल्मोज है कंजरेटल ग्लॉकोमा है गोनियोटमी करेंगे जरूरत पड़ी तो ट्रैबेक्टोमी कंबाइन में ट्रैबेक्टोमी भी करेंगे पढ़ लेना कंजरेटल ग्लॉकोमा का ट्रीटमेंट ये क्या है ऑफ्थाल्मिया नियोनेटल है ये कंजंक्टिवा की बीमारी होती है ना इसमें अपन क्या देंगे स्टीरॉइड को छोड़ के सब देंगे एंटीबायोटिक भी देंगे लुब्रिकेंट भी देंगे ये क्या है बताओ हाँ एग्जैक्टली ये क्या है टोसिस टोसिस क्या होता है ड्रोपिंग और फाइब्रिंग होता है इसमें मैं तुमसे ट्रीटमेंट नहीं पूछूंगा ठीक है सिर्फ टोसिस याद रखना रिफ्लेक्टिव एरर पूछूंगा मैं तुमसे दो रिफ्लेक्टिव एरर लिखाऊंगा ये कौन सा रिफ्लेक्टिव एरर है ये तुम समझ लो अगर स्फेरिकल में मतलब डिस्टेंट विजन में अगर प्लस में नंबर है दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया यही चीज़ अगर माइनस में होगी तो मायोपिया होगा या नियर विजन में कुछ भी लिखता हूँ मैं दैट इज़ प्लस मायोपिया अगर सिलेंड्रिकल एक्सिस में भी नंबर है तो एस्टिगमेटिस ये कौन सा है मायोपिया विद एस्टिगमेटिस बिकॉज एक्सिस भी है ठीक है तुम क्यों ले रही हो ये क्या है यह हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट है ना हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा एस आई जी एस है ना फेको नहीं करेंगे अपन ये क्या है ये यंत्र ये वाला क्या बोलते हैं इसको डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस को ये काय के लिए होता है फंडस एग्जामिनेशन के लिए रेटिन एग्जामिनेशन के लिए ये क्या है ये मेच्योर कैटरेक्ट है मेच्योर हाइपर मेच्योर में डिफरेंस समझ में आया वो पूरा बाहर आ रहा है देखो पूरे कोएगुलेटर के प्रोटीन्स बाहर आ रहे हैं इसमें पूरा मेच्योर है इसमें विजन कितना होगा हाँ नहीं अम्मा एक मिनट रुक जाएगा ना ये डायग्नोसिस होगा सिनाइल सिनाइल नहीं बोलेंगे मेच्योर कैटरेक्ट बोलेंगे बिकॉज वी डोंट नो कि सिनाइल लेकिन एज तो लिखी नहीं पेशेंट की ट्रीटमेंट ऑप्शन वाई क्यों नहीं रहेंगे ठीक है इसके बाद ये क्या है दिस इज स्टाइक स्टाइक इसका जीज ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा और फर्मेंटेशन होगा साथ में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे अपन अगर इससे नहीं हुआ तब अपन जाके आगे जाके इंसिशन ठीक है इसमें अपने को जरूरत पड़ी तो अपन टॉपिकल के साथ ओरल एंटीबायोटिक्स भी लेंगे अलॉन्ग विद एनसीएच ठीक है सिफी लाइजरडी ये क्या है दिस इज डेंड्राइटिक केराटाइन डेंड्राइटिक अल्सर दैट इज वायरल केराटाइटिस इसका ट्रीटमेंट क्या होगा एंटीवायरल ड्रग्स देंगे ओरल भी देंगे टॉपिकल भी देंगे ए साइक्लोवीर 800 mg दिन में 5 बार इसके अलावा ए सी वी ऑइंटमेंट यानी ए साइक्लोवीर ऑइंटमेंट 5 बार देंगे इसको भी 5 बार लोकली अप्लाई करना ठीक है 800 mg आरपी जोस्टर में 400 mg का देंगे वायरल केराटाइटिस में 800 mg का देंगे ठीक है इसके बाद व्हाट इज दिस दिस इज लैक्रिमल सैक मतलब डैक्रोसिस्टाइटिस ठीक है डायग्नोसिस आएगा ये एक्यूट डैक्रोसिस्टाइटिस है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले हॉट फर्मेंटेशन करेंगे अपन इसमें भी वही ट्रीटमेंट सारा सब कुछ एनसीड वगैरह ये सब देंगे अगर इससे ठीक नहीं होता है तो फाइनली विल बी गोइंग टू डीसीटी डैक्रोसिस्टेक्टमी ठीक है फाइनल जो इसका इलाज है वो तभी वही होगा नहीं तो पहले अपन ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे ओरल एनसीड देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे और हॉट फर्मेंटेशन देंगे अगर इन सबसे नहीं हुआ तो डीसीटी करेंगे या फिर एंडोनेजल डीसीआर करेंगे ठीक है ये क्या है इसकी क्लैंप है जो पीछे पड़ा है ना यंत्र ये है ठीक है इससे अपन क्या करते हैं जितनी भी अपने को एंटीरियर चेंबर देखना है लेंस देखना है पिपूल देखना है या पूरा लिड मार्जिन देखना है बेसिकली वी हैव टू एग्जामिन द होल आई दैट इज डन बाय सी क्लैंप ठीक है इसके बाद ये क्या है ये है कैलेजियम इसमें अपन क्या करेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है कैलेजियम और स्टाइम में एक डिफरेंस होता है कैलेजियम कभी भी पेनफुल नहीं होता है कोई टेंडरनेस नहीं होता लेकिन स्टाइम में हमेशा टेंडरनेस होता है कैलिजोन का वन एंड ओनली ट्रीटमेंट इज इंसर्शन एंड क्यूरेटिव ठीक है व्हाट इज दिस दिस इज रेटिनोब्लास्टोमा इसको अपन क्या बोलते हैं कौन सा रिफ्लेक्स होता है कैट्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं इसका जीन याद रखना 5q13 आई डोंट नो एग्जैक्टली बट यही होगा 5q13 इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या आएगा क्रायोथेरेपी आएगा रेडियोथेरेपी ब्रेकीथेरेपी ये सब जितनी थेरेपीज हैं वो आएगी जब इन सबसे कुछ नहीं हुआ तो जिस भी आपको यू इन्यूक्लेट द आई वो यहाँ बाहर निकाल ठीक है मैं तुमको एक पेशेंट बताऊँगा अगर तुम लोग कब तक रहते हो हाँ मैंने रेटिनोब्लास्टोमा ये कौन सा रिफ्लेक्टिव एरर है जस्ट टेल मी कौन सा ये प्रेस बायोपिया नियर विजन में है ये क्या है ये तुमको नहीं रखूँगा मैं हटाओ उसको बहुत हार्ड पड़ेगा बस ठीक है इसमें से मैं कोई से भी 10 रखूँगा मैं ये कंजनेंटल ग्लॉकोमा भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं क्या है ठीक है इसको छोड़ो ये नहीं रखने वाला है बाकी मैं इसमें 10 को